बच्चों की पैदाइश सैलाब मुतासरीन में से दो खवातीन के यहाँ हुई है। एक ने अपने बच्चे का नाम सैलाब रखा है जबकि दूसरी के यहाँ बेटी पैदा हुई है और उन्होंने अपनी बेटी का नाम बारिश रखा है। हैदराबाद के जो रिलीफ कैंप जहाँ बनाया गया है वहाँ पर दो जोड़ों ने शादी भी की है। सैलाब मुतासरीन ही हैं और दो उनमें से दो जोड़े जो हैं वो आपस में रिश्ते अज़दवाज में भी मुंसलिक हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ जवेरी अली और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल है। पाकिस्तान का हर हिस्सा सैलाब से मुतासर हुआ हुआ है। लोग बहुत बुरी तरह से जो है इस सारी सूरत हाल का शिकार हुए हैं कि जिसमें उनका घर बार लुट गया है, उनके पास कुछ बचा नहीं है अपनी आगे की जिंदगी गुजारने के लिए, और जो इमदादी सरगर्मियां हम देखते हैं कि हो रही हैं वो उन तक पहुंच नहीं पा रही हैं। जब इमदादी कैंपों की जानिब देखते हैं, जो रिलीफ कैंप लगाए गए हैं या जो खेमा बस्तियां लगाई गई हैं वहां पे जब लोगों की तरफ देखते हैं तो वो लोग बेचारे बहुत परेशानी और बेसरोसामानी की कैफियत में अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। लेकिन उस सब के बावजूद भी कुदरत सब पे ही मेहरबान है। और ऐसे में एक बड़ी प्यारी सी खबर आज मुझे सुनने को मिली और वो ये थी कि दो बच्चों की पैदाइश सैलाब मुतासरीन में से दो खवातीन के यहाँ हुई है। दोनों का ताल्लुक जो है वो ईसाई बिरादरी से है और एक ने अपने बच्चे का नाम सैलाब रखा है जबकि दूसरी की यहाँ बेटी पैदा हुई है और उन्होंने अपनी बेटी का नाम बारिश रखा है। तो इस वक्त आज ही वो पैदा हुई हैं, दोनों बच्चे आज ही पैदा हुए हैं। एक लड़का है जो सैलाब के नाम से अब जाना जाएगा और दूसरी बच्ची है जो बारिश के नाम से जानी जाएगी। लेकिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि उनको वहाँ पे वो सहूलियात मैसर नहीं है जो कि नौमौलूद को होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई इस खबर का नोटिस ले और फौरी तौर पर उनकी इमदाद की जाए, फौरी तौर पर उनकी हेल्प की जाए, जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं वो उन तक पहुँचाई जाए ताकि सैलाब और बारिश इनकी ज़िंदगी को महफूज रखा जा सके। चलें, बच्चे पैदा हो गए ये तो हमने सुना, लेकिन इसके साथ साथ एक और बात भी है जो मैंने आज देखी और मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के कि हैदराबाद के जो रिलीफ कैंप जहाँ बनाया गया है वहाँ पर दो जोड़ों ने शादी भी की है। सैलाब मुतासरीन ही हैं और दो उनमें से दो जोड़े जो हैं वो आपस में रिश्ते अज़दवाज में भी मुंसलिक हुए हैं और उसमें जितने बाकी के सैलाब के मुतासरीन थे उन सब ने भरपूर अंदाज में शिरकत की और बहुत जश्न मनाया, वालहाना रक्स किया। तो मुसीबत के इन लम्हों में भी जो हमारे बहन भाई हैं जो इस कदर परेशानी और बेसरोसामानी की हालत में हैं, अगर उनको कोई खुशी का मौका मिलता है तो उसको भरपूर तरीके से इंजॉय करते हैं और यही उनकी जिंदा दिली है। कैसी सूरत हाल में जब उनके पास कुछ खाने पीने को नहीं है, बहुत परेशानियों की सूरत हाल वो देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब उनको अल्लाह ताला की तरफ से खुशियां नसीब होती हैं तो वो इसको भरपूर तरीके से इंजॉय करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये सैलाब मुतासरीन की हेल्प की जाए, जो हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी कोशिशें उन तक पहुंचें ताकि उनको वो परेशानियां ना उठानी पड़ें जो कि अभी उनको उठानी पड़ रही हैं।